से विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। ये ऐसी टाइमिंग पर आशीष मिश्रा को जमानत मिलना किस तरह से देखा जा रहा है इसे विवेक? बिल्कुल अनु, सबसे पहले ये बता दूं कि 3 हफ्ते पहले करीब हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जब चुनाव का प्रथम चरण की वोटिंग हो रही है, पहले चरण के जो 11 जिले हैं वहां 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तब ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद तीसरे चरण में लखीमपुर का चुनाव होना है और आशीष मिश्रा उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्रा टेनी, और लखीमपुर कांड में उनको लेकर भी सवाल उठे हैं, तमाम सवाल उठे हैं। विपक्ष ने लगातार हमला किया है। आशीष मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे, ऐसे में उनका इस समय बाहर आना राजनीतिक मायनों में एक दूसरी तस्वीर पेश करता है। ये माना जा रहा है कि वहां पर अगर वो आएंगे, और जमानत का विरोध भी इसीलिए हो रहा था उनका लगातार कि अगर वो बाहर आते हैं तो साक्ष्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ ही, गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही वो चुनाव में भी गड़बड़ी कर सकते हैं। यानी जो विधानसभा चुनाव है जहां पर उनका प्रभुत्व है, लखीमपुर की 8 सीटों पर, कई सीटों पर उनका जो प्रभाव है वो इस चुनाव की प्रक्रिया को, नामांकन से लेकर नाम वापसी तक और वोटिंग तक की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, ये माना जा रहा था, आशंका थी, इसीलिए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन आज जब प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग का जो काउंटडाउन था वो खत्म हो गया और आज पहली बार वोटिंग हो रही है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है, तीसरे चरण की वोटिंग में लखीमपुर में वोटिंग होनी है, ऐसे में उनका बाहर आना, बहुत सारे खलबली मची है राजनीतिक दलों में, तमाम लोगों में, कि ये कैसा, किस तरह का फैसला। अगर ये फैसला होना ही था तो कुछ दिन टाला जा सकता था, चुनाव के बाद टाला जा सकता था। निश्चित तौर पर आशीष मिश्रा के बाहर आने पर लखीमपुर की सीटों पर चुनाव के जो समीकरण है वो जरूर प्रभाव करेंगे। विपक्ष का मानना है कि वो नेगेटिव प्रभाव डालेंगे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं आशीष मिश्रा और चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे, इसलिए माना जा रहा है कि उनके बाहर आने पर एक वर्ग जो उनसे जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा उत्साहित होकर और वोट करेगा, प्रतिशत बढ़ाएंगे और कुछ प्रभाव भी डाल सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन आज ये फैसला आना कई मायनों में, तमाम जो विपक्ष हैं और पक्ष हैं, इसके अलावा और लोग हैं, लखीमपुर के लोग भी हैं, मेरी अभी लगातार कई लोगों से बात हुई वहां पर, चूंकि एबीपी गंगा ने 10-11 दिन रह के वहां लखीमपुर कांड को, बिल्कुल ये बड़ी जानकारी, आप हमारे साथ जुड़े रखिएगा, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, जहां लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट ने जमानत दी है, लगातार उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई चल रही थी और अब आखिरकार आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो कि जेल में थे और अब उन्हें जमानत मिली है। लखीमपुर कांड को लेकर जहां किसानों के एक वर्ग में भी बड़ा रोष था, लेकिन अब आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लगातार जमानत की अर्जी दाखिल की जा रही थी, लेकिन कई बार इससे पहले भी वो खारिज हो चुकी है, लेकिन अब आखिरकार राहत मिली है। जिस तरह से विवेक ये देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए एक बड़ा वर्ग है जो आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध कर रहा था, लगातार ये भी आरोप लगा रहा था कि केंद्र सरकार ने उनसे जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, इस बीच अब आशीष मिश्रा का